गाइज यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट, हमारी ब्राइड्स कैसी लग रही है। तो हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग। तो गाइस ये व्लॉग जो है, जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था गुजरी लुक वाला, उसी दिन रात का व्लॉग है जहाँ पे यहाँ मैं हो रही हूँ दोबारा रेडी, बिकॉज मुझे जाना है एक शादी में जो है मम्मी जी की भतीजी की शादी, यानी कि सासू माँ के मायके में शादी थी भतीजियों की, उसी में रेडी होकर अभी हम जा रहे हैं और इसी का ये व्लॉग होने वाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस जा रहे हैं बड़े मुश्किलों से, जैसे तैसे रेडी हो के अब हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं शादी में। मेरा दिन तो आज इतना हेक्टिक गया है ना, सुबह से भाग ही रही हूँ बस, और बहुत गंदी थकावट हो रही है, मन भी नहीं कर रहा अब कहीं नहीं जाने का। और गर्मी, ऊपर से गर्मियों की शादी, इसीलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सब कुछ पसीना पसीना हो चुका है अभी से ही। बाकी तो गाइस ये रहा टेंट, लो ये रही, अभी हम अंदर जाएंगे, वैसे मैं तो खैर दिखूंगी नहीं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं, लेकिन मेरा टीका नहीं थम रहा, मैंने अभी अपना टीका हटा दिया। और ये रही मम्मी, मम्मी देखो अपना मम्मी के मैं कैसे डोल लिया, मेरे से बड़े तो नहीं, बड़े तो ये देखो, ये रहे सब लोग दीदी। मम्मी तो अपने मायके में आके कतई चुन्नी वन्नी भूल चुकी है, मम्मी ये बैठी और बहुत तेज गर्मी लग रही है भाई साहब, गर्मियों में शादी मत करवाए करो कोई भी, गर्मी में तो हाल बेहाल है, मुझे गर्मियों की शादी पसंद नहीं है। वो अपने आप को देख रही है गई, ले लेते जो गई, पहुंच चुके हैं अभी हम आए दीदी हर के घर, मतलब मामी, मामी जी के बड़ी वाली मामी है, छोटी 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 वाली मुझे पता नहीं है, छोटी वाली मामी जी के घर आए हैं और ये है इनकी लड़की, इनकी लड़की और मेरी, ये हमारी भाभी और ये रहे सब लोग, ये बैठी मम्मी अपने मायके में आके मौज ले रही है। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट्स में बताना भावना कसाना से हम सब कैसे लगे। और वो दीदी पीछे शीशे में स्नैप बना रही है, ये लवी, ये खुशी दीदी, सॉरी लवी दीदी, तो वो वहाँ स्टाइल मार रही है बेड पे, और ये दीदी के बच्चे, ये दो, दो तीनों फिर दो गाइस, शीशे में दिखाना है मेरा फुल लुक, ये देखो गाइस, ये रे आप आगे से हटेंगे मैम जरा, ये देखो गाइस मैंने टीका भी लगाया था जैसे कि आपको पहले वाली लुक में दिखाया ही था, बट बार बार ना इरिटेट हो गई, मैं हटे जा रहा क्योंकि बाल बहुत सिल्की हो रहे हैं, बाल बनाने का टाइम मिला नहीं जितनी जल्दी में मैं यहाँ आई हूँ, तो इसी में आप लुक बनाना कैसी लग रही है। अरे दीदी गीत आई है तो देख लो, चलो ये हमारी मौसी है, बड़ी मौसी जगत परवाली, वो तो मम्मी है, ये खुशी दीदी है, यहाँ मामी है, वो होएगी बड़ी वाली तेरी बहन है ना। अरे ब्लॉग बना रही है, ये तो बनाती रह रही, आप नहीं देखते बोलो, मौसी जी जो है उनकी बहू है, अच्छा बड़ी दीदी,
मेरी बड़ी दीदी जेठानी जी कह सकते हैं और मैं वैसे दीदी कह सकती हूँ। तो ये आपको आज ब्लॉग में सारे नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे, सबसे इंट्रोड्यूस भी कराऊंगी और बताती भी रहूंगी बीच बीच में। बाकी आप देखते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहना। यार ये भाभिया, ये पता नहीं कैमरा गाइस यहाँ पे बैठे हैं सब लोग, ये देखो हेलो बोल दो सारे आप आओगे। ये रहे ये सारी दीदियाँ हैं, मम्मी की भतीजी है मतलब सारी इन शॉर्ट। ये मम्मी फोन पे बिजी हैं, ये राखी दीदी, खुशी दीदी से तो आप मिल ही चुके हो। ये ऐसा है कुछ व्यू, गोरा घर। सबकी बना दूंगी। ले गाइस अभी हम खा रहे हैं खाना, दिखाती भूख लग रही थी बहुत तेज, ये बात है वो बात है, लेकिन सिर्फ पीने का मन नहीं कर रहा है, खाने का मन कुछ नहीं कर रहा है। गाइस ये आ रही भाभी, लो अच्छे से देख लो भाभी की फुल लुक, हमारी भाभी का मूड ऑफ है नहीं दीदी। हेलो तो बोल दो, ये छोटी वाली दीदी और ये बड़ी वाली दीदी, फुल लुक तो दिखा दो अपनी। ये देखो गाइस गाइज यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट, हमारी ब्राइड्स कैसी लग रही है अगर आपको दिख रही होती।
तेरी बन जाना आज तू सजना वे अखियां चो डिग दे अंजू खुशियां दे तेरी बन जाना आज तू सजना वे खुशियां दे तेरे आज वेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना वे खुशियां दे तेरे आज till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा भी अज सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी मेहर हाय सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी मेहर चिट्टा कुकड़ तो
कुछ खराब भी ऐसे है, एंट्री हुआ है, इतना मौसम खराब हो गया, इसलिए हम तो निकल रहे अपने घर से। सीधी सी बात है, देखो इनके बाल उड़ने से ही आपको समझ आ रहा होगा कितनी बुरी आंधी आ रही है। तो गाइस वी आर बैक फ्रॉम द मैरिज, और सच्चे में इधर नहीं थक गई हूँ ना, अब चेहरे से थकावट आई गेस दिख ही रही होगी अब, या नहीं दिख रही तो अभी दिखेगी, क्योंकि सच्चे में बहुत 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 ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ अब। अब ऐसा लग रहा है सब उतारो फेंको और सो जाओ। हुआ क्या, जैसे ही जयमाला हुई, और मतलब जयमाला होते ही मतलब बारात आई, बारात की एंट्री हुई, जयमाला हुई, उसके बाद इतनी गंदी आंधी तूफान आया, इतना गंदा आंधी तूफान कि मतलब सब कुछ ख़राब हो गया। मतलब ऐसे टाइम पे, शादी के टाइम पे अगर आंधी तूफान बारिश आ जाए ना, तो मतलब थोड़ा बुरा सा लगता है, क्योंकि बेचारी लड़की वालों ने जितनी भी अरेंजमेंट्स करी होती है, सब पे पानी फिर जाता है। तो एक बोलते हैं ना कि जो शादी में पतीले चाटता है, कढ़ाई चाटता है, तो उसकी शादी में फिर बारिश होती है। तो आई गेस ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो बाद में इतनी गंदी आंधी तूफान आया कि सब कुछ ख़राब सा ही हो गया लिटरली, मतलब मान लो। उसके बाद हम तो निकल आए, हम रुके नहीं वहाँ पे, फिर मौसम ख़राब होने लगा था, और वैसे भी टाइम हो गया था, बिकॉज मुझे तो नेक्स्ट डे जाना है अपनी ड्यूटी, छुट्टी मिली नहीं, तो एक दिन में ही जितना रिकॉर्ड कर पाई रिकॉर्ड करके ले आई। अब आपका फ़र्ज ये बनता है बस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गई जब आंधी आ गई ना, इतना रेत रेत हो गया पूरे में, क्योंकि जो शादी में गए थे वो शादी थी बिल्कुल गांव वाले एरिया में, मतलब मम्मी के मायके में थी शादी जहां हम गए थे, जो कि प्रॉपर गांव वाला एरिया था। तो शादी भी वहां की थोड़ी ऐसी ही थी, गांव में जैसी होती है उस टाइप की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, इसमें बहुत सारे लोगों से भी मैंने मिलाया है, बहुत सारे लोगों से मैं भी मिली, सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अभी इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं एंड, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही, बस लगे उतारो फेंको जल्दी से सो जाओ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।